नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूँ लखीसराय जिला में, और लखीसराय जिला में एक छोटे से गांव में काफ़ी एक छोटा सा डेयरी फार्म बोलेंगे, घर में लोग रखते हैं उसी तरीके से इन्होंने रख रखा है और इससे भी ये मुनाफा कमा रहे हैं। तो किस तरीके से लोगों को करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए ये चीज़, तो वो चीज़ हम इस वीडियो में आपको सिखाएँगे। साथ में ये भी बताएँगे कि क्या ये सही बिजनेस है कि नहीं है। बहुत सारे लोग को मन में डाउट होता है कि हम करेंगे तो फेल कर जाएंगे, तो ये इसमें पशुपालक भाई हमारे पीछे भी हैं, उन्होंने ये चीज़ समझाया कि कैसे करना चाहिए ये चीज़ इसमें, क्योंकि छोटे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, छोटी चीज़ें से आप जाएंगे तो ही सीखने की, क्योंकि जीरो से ही शुरुआत होती है और 100 तक जाता है। तो जीरो से हम कैसे करेंगे और कैसे 100 तक पहुँचेंगे, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा। नाम हुआ सर मृत्युंजय कुमार। अच्छा, और कहाँ पे आप कर रहे हैं ये काम? ये घर सलोना चक हुआ। अच्छा, लखीसराय जिला में। तो ये आप जो काम करें कितने दिन से कर रहे हैं? ये काम हम कर रहे हैं 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं। तो 20 साल से करें तो क्या पैसा कमाने के लिए करे थे, घर में रख के रखने के लिए? पैसा कमाने के लिए करे थे। तो आपको कैसा ये काम लगता है? काम सर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, घर का काम है सर। घर का काम इसलिए अच्छा लगता है। अभी बाहर नौकरी करने गए हैं? नहीं गए हैं सर, यहीं है, इसी में आप करते रह गए। अच्छा, तो एक चीज़ आप हमको बताइएगा, जब आप बाहर नौकरी करने नहीं गए, इसी में काम करते हैं, तो क्या इसे आपका भरण पोषण हो जाता है, परिवार वगैरह सब चल जाता है? सर जी, हो जाता। अच्छा, कितना अभी कितना पशु रखे हैं? अभी सर चार रखे हैं। और पहले कितना रखते थे? पहले 6 रखते थे। अच्छा, 6 से 4 फिर क्यों कर दिए? 6 से 4 दो को सर पुराना हो गया इसलिए। अच्छा, पुराना हो गया तो बेच दिए, फिर लाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कैसे परेशानी, मतलब इसमें क्या होता है, पशु के साथ में क्या रोग होता है, क्या नहीं होता है? परेशानी सर, इसको पाले रखने में दिक्कत होता है, और कोई परेशानी मतलब क्या पालने में क्या दिक्कत होता है बताइए, जैसे खुल के बताइए। सीमेन नहीं, जो गर्भाधान होता है ना, वो नहीं रखता है सर। अच्छा, वही सिर्फ नहीं रखता, बस वही एगो ज्यादा प्रॉब्लम वही है। तो कैसे, मतलब उसमें कैसे आपको लगता है कि क्या समस्या होता है? कुछ तो लगता है ना कि क्यों हो रहा है, जैसा कि आपने बताया समस्या जो गर्भाधान नहीं होता है, तो ऐसा क्या लगता है कि गर्भाधान नहीं होता, क्यों नहीं हो पाता है? क्यों गाय को रख रखाव बढ़िया से नहीं हो पाता है जी, मिनरल उनरल जो चीज़ देना चाहिए वो सब नहीं पड़ता है, कीड़ा उड़ा का दवा, इसी के कारण दिक्कत होता है। तो आप मतलब क्या क्या खिलाते हैं अपने पशुओं को? हम मिनरल खिलाते हैं हर 3 महीने पर, कीड़ा की दवाई देते हैं, उसके बाद बाईपास सर खिलाते हैं। बाईपास भी देते हैं जी। अच्छा, मिनरल्स कितना देते हैं? मिनरल्स 50 से 75 ग्राम पर डे। 50 से 75 ग्राम पर डे एक गाय को? कितना लीटर वाली गाय को देते हैं? एक गाय जैसे कितना लीटर? 10 लीटर 12 लीटर जो करे। तो किस तरह का मतलब पशु रखना पसंद करते हैं, कितने लीटर तक का पशु रखना पसंद करते हैं आप? 15 लीटर तक का पशु पसंद करते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है जो 15 लीटर तक ही रखते हैं? 15 लीटर तक के रखते हैं, लोग का शौक होता है कि 30-30 लीटर तक। इससे ज्यादा होता है सर तो उसका दूध पतला हो जाता है। अच्छा, पतला होता है, मतलब आम किसान को इसी तरह का पशु रखना चाहिए जी। जी, तो आप मतलब दूध कहीं समिति वगैरह देते हैं क्या? अमूल में देते हैं। अमूल में देते हैं, तो अमूल में आपका किस रेट से मतलब? अमूल में 42-44 रुपये पर लीटर पड़ जाता है। अच्छा, 42-44 रुपये 42-44 रुपये लीटर आपका इस अभी किस समय में मतलब आता है, ये चीज़ बताइएगा, क्योंकि गाय ताज़ा ब्याती है तब उसका रेट मिलता है कि कुछ दिन हो जाता है तब वो रेट मिलता है? एक महीने के बाद ही रेट मिलता है। मतलब एक महीने के बाद तो उसका दूध तो घट जाता होगा एक महीने के बाद? एक महीने में नहीं दूध घटता है। अच्छा। दूध घटता है 6 महीना बाद जाके। 6 महीने के बाद जी। जैसे गाय आपकी मान के चलिए ये के कौन से बयान में है ये वाली? ये गाय है 3 बयान की। 3 बयान की जी। इसका दूसरा बयान में कितना दूध था? दूसरा बयान में था 14 लीटर। अभी क्या गाभिन है? हाँ, अभी गाभिन। कितने दिन की गाभिन है? अभी 3 महीने की गाभिन है। 3 महीने की गाभिन है जी। अच्छा, तो मतलब इसका दूध कितना था उस समय में, सबसे ज्यादा दूध कितना लीटर दी थी? 17-18 लीटर। 17-18 लीटर दी थी। कौन सा नस्ल में है ये? है देसी नस्ल की है। देसी और जर्सी? जर्सी। देसी जर्सी में है। हाँ। अच्छा, तो इस 17-18 लीटर इसका दूध तो मतलब कितना फैट आता था, जैसे शुरुआत में जब बच्चा दी थी तो इसका कितना फैट आता था? ये आता था 4-8-5-3। अच्छा, 4 मतलब फैट और 6 तक आता था। तो 4-8 पर कितना आपको रेट मिलता था, किस रेट? 4-8 पर यही 39-40 रुपया रेट। 39-40 रुपये मिल जाता था। अच्छा, तो जैसे सीमन वगैरह समय पर कितने दिन पर देते हैं आप इसमें? सीमेन
अढ़ाई से तीन महीने पर इसका सीमन देते हैं। अच्छा, अढ़ाई से तीन महीने पर क्यों देते हैं, क्यों नहीं आप चार महीने पर भी दे सकते थे? नहीं, अढ़ाई तीन महीने में उठ जाती है, मेंटेन में जो गाय रहती है ना, तीन महीने तक एकदम उठ जाएगी, तीन महीने से पहले। जो अगर तीन महीने से पहले तो मतलब मेंटेन में नहीं है वो? नहीं, मेंटेन उसको मतलब खाना पीना अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। तो खाना पीना में मतलब आप क्या क्या खिलाते हैं? खाना पीना में घट्ठा है, खल्ली है और सुधा दाना है, संजीवनी कैटल्स अथी फीड है। अच्छा, कैटल फीड देते हैं कि साइलेज देते हैं? साइलेज देते हैं। साइलेज कितना मात्रा में देते हैं? ये एक जानवर को एक टाइम में 5 किलो 6 किलो देते हैं। अच्छा, तो मतलब दो आपके पास है दूध देने वाली गाय? हाँ। रहते हैं, तो अभी इसका दूध कितना है? अभी इसका दूध है 14-15 लीटर। अभी 14-15 पूरे? हाँ, दिन का है। हाँ। और ये बछिया है? हाँ, ये बछिया। ये कितना दिन की है बछिया? ये बछिया हो गई 15 महीने की। 15 महीने की? हाँ, हो गई। 3 महीने गाभिन है, 1 साल परिपाल खा गई है। अच्छा, तो क्या इसी के बछिया है कि? हाँ, इसी का बछिया है, खरीद के नहीं लाए। खरीद करके नहीं लाए? हाँ, अगला बियान का है इसका। अच्छा। हाँ, तो इसका कितना दूध होगा पहला बियान में? इसका दूध होना चाहिए 28 लीटर दूध इसका, वो पहला बियान। हाँ। अच्छा, और ये अभी दूध देती है? ये भी दूध दे रही है ना? ये दूध दे रही है। इसका कितना दूध है? ये दूध अभी है इसका 15 लीटर दूध। 15 लीटर दूध है। अच्छा, तो 15 लीटर और 14 लीटर, 29 लीटर दूध होता है। तो 29 लीटर दूध आप किस रेट से मतलब सेल कर देते हैं? ये हम 40 रुपये के रेट से सेल 40 कर देते अमूल में आपका 40 रुपये चला जाता है। हाँ। अच्छा, और मतलब कितना खिलाने का खर्चा कर देते हैं? बछिया भी तो है आपका 2-3 ठो। खिलाने में खर्चा कर देते हैं आधा इसका पैसा, खिलाने में खर्चा कर आधा पैसा खर्चा खिला देते हैं और आधा मतलब बचा लेते हैं, आधा बचता। और रोग मतलब और क्या क्या होता है इन लोगों में? रोग तो बुखार, सर्दी, खोखी, थनेल धर लिया, कभी अथी हो गया, खुड़ा पका। तो कैसे इलाज करते हैं आप, जैसे बुखार थनेल वगैरह का कैसे इलाज करते हैं? खुद से करते हैं कि डॉक्टर बुलाते हैं? नहीं, खुद से करते हैं। खुद से कैसे करते हैं बताइए? खुद से बुखार जाँच लिए, उसके बाद इसका जो हुआ एंटीबायोटिक मतलब दवा देते हैं। हाँ, अंग्रेजी दवा देते हैं? हाँ, दवा दे देते हैं। और कोई मतलब देसी उपचार नहीं करते घर में? घरेलू उपचार नहीं? घर तो अंग्रेजी दवा में तो काफ़ी खर्चा आता होगा ना? नहीं, कम खर्चा वाला दवा भी है, ज़्यादा खर्चा वाला थोड़ा है, डॉक्टर देगा ज़्यादा खर्चा वाला, अपने से करते हैं तो कम खर्चा लगता है। अच्छा अच्छा, तो एक बार फिर हम आपसे पूछते हैं कि आप मतलब गाय पालन ही क्योंकि चार गो ही रखे, 6 गो रखते हैं, तो ये आखिर क्यों किए, ऐसा आपको इसमें क्या लगा? ऐसा लगा कि हम घर में रह करके और 10-20 हज़ार 22 हज़ार रुपया इनकम कर लेते हैं, कहीं जाना आना नहीं पड़ता है, इससे घर परिवार सब घर परिवार से ही इनकम। हाँ, सब साथ में रह के, साथ में खेती बाड़ी भी तो करते हैं, खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, तभी तो चलता है ना, क्योंकि 2-4 गाय के पैसे से तो परिवार पूरा चल रहा है। 6-7 बीघा खेती करते हैं, घर से खाना पीना सब हो जाता है, तो ये मतलब इसीलिए आप इसको घर में रह करके करना पसंद करते हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोगों को करना चाहिए, थोड़ा सा ये समझिए कैसे करना चाहिए, बढ़िया समझाइएगा आप इसको, क्योंकि आप काफ़ी छोटे स्तर पे कर रहे हैं, नए नए लोग करना चाहते हैं, तो कैसे करना चाहिए ये आप बताइएगा। लोगों को तो पहले छोटा से स्टार्ट करना है, 4 गाय 2 गाय से स्टार्ट करना है, उसके बाद इसको देखना है कैसे की करना है, मेंटेनेंस में रखना है, और उसके बाद लगे कि अच्छा से कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा पैसा चाहिए तो बढ़ा दीजिए। अच्छा, 10 गाय रखिए, 15 गाय रखिए। तो आप सुबह से मतलब कितने बजे लगते हैं? सुबह हम 4 बजे उठ के लग जाते हैं। 4 बजे कितने? हाँ। समय सुबह में देते हैं इस? सुबह में 3 घंटा समय देते हैं। 3 घंटा समय देते हैं दूध उध सब बेचना लेकर? हाँ, दूध उध सब बेचना। अच्छा, लेकर। और उसके बाद फिर शाम को कितने बजे लगते हैं? शाम को फिर 4 बजे लगते हैं। 4 बजे 4 से 7 सात बजे तक में पूरा काम? 7 बजे पूरा काम। बाकी बीच में आप क्या मतलब खेती वगैरह का काम? बाकी बीच में खेती वगैरह हो गया। अच्छा, तो आपको मतलब पूरा इस काम से आपको संतुष्टि मिलता है, अच्छा लगता है करने से? हाँ, अच्छा लगता है जी। चलिए, काफ़ी अच्छी आप जानकारी दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।